हाय गाइस, हम लोग व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइल लूप क्या कहता है, देखिए, द व्हाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइल लूप रिपीट होता रहेगा तब तक जब तक कोई कंडीशन फॉल्स वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, इसका हम लोग सिंटेक्स देखते हैं और क्लियर हो जाएगा सिंटेक्स। देखिए, जैसे कि वाइल, मैंने यहाँ वाइल लूप लगाया है, वाइल इस कंडीशन को टेस्ट करो, मैं बोल रहा हूँ अपने प्रोग्राम को कि वाइल इस कंडीशन को टेस्ट करो और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप मीन्स यहाँ कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको प्रिंट करो और तब तक प्रिंट करो जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो प्रिंट करना बंद कर दो। ठीक है, तो इसका हम लोग जब डायग्राम देखेंगे तो और बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये कंडीशन मैंने दिया, कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ लूप जो भी यहाँ स्टेटमेंट होगा, जो भी फंक्शन होगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये फिर वापस चला जाएगा कंडीशन में, कंडीशन को चेक करेगा क्या अभी भी ये ट्रू है। हाँ ट्रू है, तो फिर इसको ये रन करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा ये अभी भी ट्रू है। हाँ ट्रू है, बॉडी ऑफ लूप जो भी यहाँ फंक्शन स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये वापस जाएगा और फिर से इसको टेस्ट करेगा। जितनी बार ट्रू होगा कंडीशन तब तक ये ये जो बॉडी ऑफ द लूप होगा, जो भी स्टेटमेंट फंक्शन होगा, उसको ये रन करता जाएगा, एग्जीक्यूट करता जाएगा। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन चेक किया और ये कंडीशन इसको फॉल्स लगा कि नहीं अब ये फॉल्स नहीं है, अब ये ट्रू नहीं रहा, अब ये फॉल्स हो गया है। ठीक है, कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स इधर चला आएगा और प्रोग्राम क्या होगा आपका, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाइल लूप इस तरह से काम करता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया है व्हाइल लूप पर। ठीक है, प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ टू, यानी कि दो का पहाड़ा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, यहाँ प्रिंट होने वाला है आउटपुट। ठीक है, तो चलिए कोड में आपको समझा देता हूँ पहले कि कोड में क्या किया गया है। कोड में इंट डाटा टाइप लिया है मैंने, जिसका ए जिसमें ए का वैल्यू असाइन किया है मैंने टू, और व्हाइल लूप का यूज़ किया है, मैंने कंडीशन लिखा हुआ है कि ए लेस देन और इक्वल टू 20 अगर है तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। लेकिन जैसे ही ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू यानी कि 20 से बड़ा होता है, 21 होता है, फिर 22 होता है, तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और हमने व्हाइल लूप में अभी जाना है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, बार बार एग्जीक्यूट होता जाएगा। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसी के थ्रू हम लोग इस टेबल को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए, मैंने इसको रन किया तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 तक हमारा ये आउटपुट आ रहा है सही। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इंक्रीज किया है ए के वैल्यू को जो कि 2 था, उसको बाय 2 से, मीन्स 2, 2, 4, 2, 6, 8 इस तरह से बाय 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो यही एक छोटा सा प्रोग्राम, यानी कि आपको अगर 2 का टेबल लिखना है तो आपको इसको इंक्रीमेंट को देना पड़ेगा। एक्चुअली व्हाइल लूप में इंक्रीमेंट बहुत ही नेसेसरी होता है, वरना आपका लूप जो है वो क्या होता जाए, रन होता जाएगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये इंक्रीमेंट अगर ना मैं लिखूँ और इसको अगर मैं रन करूँ तो इसका कभी भी अंत नहीं होगा, ये अनंत तक 2, 2, 2, 2 आपको दिखता जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं। ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा तो आपका ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये हमेशा रन होता जाएगा। इसीलिए हमें इंक्रीमेंट देकर एक पार्टिकुलर स्टेज पर इस कंडीशन को क्या, फॉल्स करवाना पड़ता है ताकि हमारा लूप जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, कि तो यही है व्हाइल लूप। अच्छा, एक और प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है जिसमें यूज़र इनपुट करेगा कि इसको कितने तक का टेबल चाहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने स्कैन ऐप के थ्रू एक इनपुट लिया है यूज़र से, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए इसको हम लोग रन करते हैं।
जिससे कि उसे 2 to 40 चाहिए, तो उसने 40 लिखा, उसे 2 से 40 तक का टेबल यहाँ दिखेगा आउटपुट में। सब कुछ सेम है, बस मैंने एक यूज़र फ्रेंडली बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को यूज़र फ्रेंडली भी समझ में आ जाए, ठीक है। ओके देन यही है वाइल लूप। और एक चीज़ जानने वाली बात है कि वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। ओके देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।